अरे माँ थक गई मैं। हाँ, मैं भी। ए मुनिया, क्या हुआ तेरे को? कांटा चुभा है, सांप ने नहीं काटा है, चल। ए तू जाना बुढ़िया। तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कंधे पे उठा के चल उसको। इतनी रात में क्यों उठाया? चप्पल बनवानी है। मालिक कहीं चप्पल भूल गया क्या? चप्पल मालिक ही बनवा सकता है क्या? बीवी के लिए बनवानी है। ये लफड़े वाला काम काहे को कर रहा है? अबे वो प्यारी क्या जिसमें लफड़ा ना हो, तू बना मैं देख लूंगा। नाप क्या है? बिना नाप के मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना होगा? गेंडे के चमड़े का बना, मजबूत होना चाहिए, समझा? ठीक है, समझ गया। और एक बात का खास ध्यान रखना, पैरों में नरम लगे। समझ गया। देखना चप्पल हल्की रहे। ये ले, तू ही बना ले भाई। ठीक है तू बना। मैं तुझे इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। पहली बार मैं मुनिया को कुछ देने वाला हूँ, चीज यादगार होनी चाहिए। समझ गया। उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ले, पहन ले, कांटे नहीं चुभेंगे। मुनिया के आने के बाद मेरी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों। ए सुनना। हाँ। नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवाले क्या है? चले क्या? हाँ हाँ। देर से खाना खाया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया? हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला रहे हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा? मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा। तेरे साथ जो पांडी काम करता है ना, ये सब उसी का किया धरा है। ए मुनिया। शिवा। रोहन। शिवा। शिवा। नहीं है क्या? अरे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैर में कुछ भी? शिवा ने मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवाले क्या है मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते। क्यों रे, तू गांव में चप्पल पहन के फुदकती रहेगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? अब काट में रे, उतार बोला ना। अगर मुझे जाने नहीं दिया ना तो यही चप्पल से मारूंगी तुझे। चुप तेरी। अब अगर तूने खुद नहीं उतारा तो मैं अपने हाथों से उतारूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारो। ए मुनिया, चप्पल उतार देना। चल जल्दी कर, इसके सर पे रख दे। भैया क्या कर रही है तू? हटाना। बहुत चर्बी है तेरे को। भैया रुक जाओ ना। भैया छोड़ दो ना। बहुत बेइज्जत किया शिवा, पूरा गांव घुमाया मेरे को। भैया इसकी तरफ से मैं माफी। भाई किसको बना रही है? मैं तेरा भाई नहीं हूँ। चल उठा और उसको सर पे रख। जल्दी कर, दूसरा वाला कहाँ गया? चल सर पे रख। मुनिया अपने सर से अब चप्पल मत हटाना, नहीं तो और। चल रुक क्यों गई तू? चल रुक। मत मारी ना भाई। बगीचे में टहल रही है क्या? निकल। दिल कर रहा मैं जान दे दूँ अपनी। इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शिवा तुझे मालूम नहीं है कितनी बार उसने पीठ पे मुझे मारा। उस दिन शिवा मार रहा था तब तो हंस रही थी। जितनी बार चप्पल गिराएगी उतना मार खाएगी। चल उठा और भागते हुए निकल। दोबारा चप्पल के साथ देखी तो पैर काट दूंगा। पूरा गांव मुझे घूर घूर के देख रहा था शिवा, किस मुंह से बाहर निकलूं अब मैं।
रुक जा, बोल रहा हूँ ना। देख, चप्पल से मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर चप्पल पहने तो मारेगा। मार मुझे, मार, चप्पल पहना। बच्चों, जाओ मुनिया को बुलाओ। हाँ, चल बुलाते। ए, खोल इनको। ए, क्यों बांध के रखा है ने? इसने एक स्कूल की लड़की को मारा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कोई परेशानी हो मेरे पास आना। पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ भी हुआ हो मेरे पास आना चाहिए था ना। आप बाकियों को ले जाइए, पांडी यहीं रुकेगा। मुनिया आ रही है, उससे माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा। माफी मंगवाएगा? तुझे जरा सी उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। इसने मुनिया के सर पर चप्पल रखकर उसे पूरा गांव घुमाया, और आप हैं कि मुझे मार रहे हैं। इसने सिर्फ तेरी मंगेतर की बेइज्जती की, और तूने गांव वालों के सामने मेरे परिवार की बेइज्जती की। तूने ऐसा काम किया है कि जी तो करता है तेरे हाथ काट दूं। मुझे लगता था कि मैं उसका भरोसेमंद आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी औकात एक कीड़े के बराबर थी। मैं तो उसे बाप के समान समझता था। कम से कम अब तेरी समझ में तो आ गया ना। भाई, सुनने में आया कि विश्वनाथ हमारे घरों पर हमला करवाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आने दे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। रहने दे, ए, जाओ अपना काम करो, चिंता मत करो, जाओ जाओ। वो लोग आ गए तो? अरे आने देना उनको। देख शिवमणि, विश्वनाथ ने तेरी बनाई दारू से बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए उसने तेरी हर बात मानी और तुझे एक परिवार का हिस्सा मानकर हर तीज त्योहार पर तुझ पर पैसे लुटाता रहा। लेकिन ये कब तक हुआ? जब तक तू उसके तलवों के नीचे रहा। लेकिन अब क्या, अब तो तू उसका भी बाप बन गया। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पांडी को मारकर तूने उसे बता दिया कि तू उसके पैर की जूती नहीं बल्कि उसके बराबर की औकात रखता है। अब वो तिल मिला गया है, और अब देखना वो तुझे अपना असली रंग दिखाएगा जरूर। तो मैं भी उसे अपना असली रंग दिखा दूंगा। अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पहले उनकी तरफदारी में भड़का करता था, अब मेरे सामने भड़क रहा है? इतना गुस्सा मत कर, दिमाग ठंडा रख के काम कर। ऐ सुन, अपने लड़कों से बोल हथियार तैयार रखें। हाँ ठीक है। हम इंसान नहीं चाहते, पर वार का जवाब जरूर देंगे। आने तो दे, देख लेंगे। अरे खुद के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर, अपने गाँव वालों की चिंता कर, उनकी परेशानी को समझ और उसे दूर कर। तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है भैया। हाँ, बहुत कुछ नहीं, निकल। ये चप्पल पहनकर मजा आ रहा है ना। हाँ, मैं कंगन पत्थर कुछ भी नहीं चुभ रहा है, मैं तो रोज पहनूंगी। हाँ चलो जाओ, स्कूल जाओ, जा। मेरी चप्पल तो गंदी। मैं देखता हूँ कौन रुकता है तुझे, जा। तुम बच्चों को स्कूल भेजो तो वो मारे, कुएं से पानी निकालो तो वो मारे, अगर तुमने घर बनाया तो उसे जला देंगे और तुम्हें मार देंगे, अगर तुम उनकी बात मान लो तो छोड़ देंगे, तुमने उनकी बराबरी की तो वो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। ये सब कुछ बदलना होगा, और इसके लिए जमीन अपने नाम करनी होगी। वकील साहब, उसके लिए हमें जमीन खरीदनी होगी, और खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन खरीदने को कौन बोल रहा है? अरे वो जमीन आप ही की है जिसपे आपने सालों से अपना खून पसीना एक किया है। अंग्रेज वो जमीन देकर गए थे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बेईमान हैं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है उन्हें सबक सिखाकर जमीन लेनी होगी। वकील साहब, अंग्रेज वो जमीन हमारे बाप दादाओं को देकर गए थे, लेकिन कर्जे के बदले विश्वनाथ ने वो जमीन अपने नाम कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं? समझाओ इन्हें। देखो चाचा, वो जमीन हमारे गाँव के लोगों की है, उस जमीन को हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं, उसे बाहर वाला नहीं हथिया सकता। और अगर ऐसा करता है तो गैर कानूनी है, तो इसलिए इस जमीन के असली दस्तावेज रजिस्ट्रार के दफ्तर से ढूंढकर निकालने होंगे। उसके बाद जमीन हमारी हो जाएगी क्या? अरे बिना लड़े तो आजादी भी नहीं मिली थी। जमीन के कागज जब तक नहीं मिल जाते हमारा विरोध जारी रहेगा, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर ही रहेगा। सिर्फ तालियां बजाना काफी नहीं है, जब जब आंदोलन के लिए बुलाया जाए अपने परिवार के साथ आना होगा। सुनो, पहली बार हमारे लड़कों में इतना जोश दिखाई दे रहा है, अब वो समझ गए कि उन्हें अपने बाप दादाओं की तरह दबके जीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बस एक ही हथियार है जो बदलाव लाएगा, और वो है उम्मीद, और उम्मीद के बल पर ही हम ये जंग जीतेंगे। बस इनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। इसे पंचायत के पास लगा देना, और परशुराम तुम मंदिर वाली गली में लगा देना। मैं नहीं लगाऊंगा, पिछली बार उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा था। मारा था? हाँ। चल मेरे साथ चल, देखता हूँ कौन मारता है तुझे। सुन, अब उन लोगों से झगड़ा मत करना। वो लोग शुरू करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुनिया, तू ठीक से घर चली जाना। हाँ, ठीक है। दो लोग इसके साथ जाओ भाई, चाहे कोई कुछ भी कहे जवाब मत देना, ठीक है? सब इंस्पेक्टर तो मान गया है, पर बड़ा साहब अड़ा हुआ है। अरे उसे छोड़ो, मैं देख लूंगा,
ए बुड्ढे, किसने लगाया? पता नहीं किसने लगाया। ये गांव वाले गीदड़ की तरह रहते थे, अब वो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिम्मत शिवमणि की वजह से ही आई है। उसने वकील के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सभा बुलाने के लिए परमिशन मांगी है। तुमने क्या कहा? हम क्या कहेंगे, जो तुम कहोगे वही कह देंगे। उन्हें सभा बुलाने दो। सभा शुरू होने से पहले जो उनका वकील है उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लो। शिवा, हमारे वकील को रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग तो इकट्ठा हो गए, पर बिना वकील के हम क्या करें? वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम ही ने समझाओ ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे भैया, जो हमेशा बोलते हो वही बोलो ना। आप लोग यहाँ आए उससे ये साबित होता है, चाहे जो हो जाए हम अपनी जमीनें लेकर ही रहेंगे। पहले तो शंभू ही आंदोलन करता था, उसने शिवा को भी घसीट लिया। घर में दाना नहीं खाने को और ये नेतागिरी करने चले। दादी, आंदोलन करना गलत नहीं है। ए, दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? चल अंदर जा, पढ़ाई कर,